to Shakib Al Hasan, who goes for a cut. It's a wicket. Hello. मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है. कुछ किने संगीत के न्योते की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है. ले ले. अबे मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा है यार? छोड़ दे. अरे मुझे टेंशन हो रही है. आप लोग तो जानते हैं ना कि पूछकी के मम्मी पापा की मैं फर्स्ट चॉइस नहीं हूँ. फर्स्ट चॉइस? तू तो टॉप 10 में भी नहीं था. इसीलिए ये सारी जिम्मेदारी हम दोनों के सर आ रही है. छोटा सा इन्विटेशन भेजना है और मैं नर्वस हुए जा रहा हूँ. इन्विटेशन कार्ड नहीं, ईमेल. पुचकी को पेपर वेस्ट नहीं करने. अबे ईमेल छोड़, तू अपनी बैचलर पार्टी की फिक्र कर. नागिन डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर दे. नागिन. और तू ये ईमेल शीमेल लिखने को राजी क्यों हो गया? कमाल है, मैं क्यों ना मदद करूं? आखिर मेरी भी तो शादी है. नन्हे मुन्ने सोनू को लगता है कि उसको उसकी शादी में ना मदद करनी चाहिए. अबे चपड़ गज्जू, शादियां लड़कियों के लिए होती है, मर्दों को तो सिर्फ अटेंडेंस मारनी चाहिए. लड़कियां ना 12 साल की उम्र से शादी के सपने देखती हैं. मेरी शादी होगी, ऐसा जोड़ा पहनूंगी, ऐसे गहने लेके आऊंगी. तूने बचपन से क्या सपना देखा होगा? यही ना कि लोग तुझे बदबूदार भालू ना बुलाएं. ओए उसे स्कूल में बुलाते रहे, समझा? अभी भी बुलाना चाहिए. अब मोनू बता देना क्या करूं. प्लीज मदद कर देना भाई, प्लीज. हाँ ठीक है सुन. तू ना अपने इनविटेशन कार्ड पे सब कुछ उल्टा सुल्टा लिख दे. उसे देख के सिमरन ऐसे शॉक्ड हो जाएगी कि कहेगी छोड़ो पुचकू, मैंने ना अपने आप माई सेल्फी कर लेना है. और आइंदा से तुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देनी उसने. इंसान है तू. ये क्या थैंक यू बोलने का तरीका है? चल मैंने नहीं करनी ऐसी वैसी कोई हरकतें. जानबूझकर अपनी शादी का कार्ड बिगाड़ दो. अबे ठुल्ले, we two of the experienced people of शादी से शुदा तेरे को मुफ्त सलाह दे रहे हैं. मेरी शादी के संगीत में माया ने मुझे कोरियोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी. पहला बंदा लेके आया तो माया को जुम्बा नहीं रुम्बा चाहिए था. रुम्बा? हाँ. दूसरा बंदा लेके आया तो उसका जाइव से जी भर गया. जाइव से जी भर गया? जी. अरे यार ये शादी जनानियों से ना करनी पड़ती ना तो लाइफ बड़ी कमाल की होती. मैंने तंग आकर दुनिया के दी बेस्ट कोरियोग्राफर को ढूंढ निकाला. कौन सा? नटवर महाराज. 80 साल का कथक डांसर. उसने माया को ऐसा डांस दिखाया, ऐसा डांस दिखाया. उसके 10 मिनट बाद से मुझे शादी की तैयारी में उंगली भी नहीं उठानी पड़ी. उंगल भी नहीं? मैंने बस एसी स्टार्ट किया, सोफे पे बैठा, टीवी चालू कर दिया और लगातार 5 टेस्ट मैच देख डाले हाइलाइट्स के साथ. मोनू तेरी कहानी सुन के है ना आंख से आंसू और मुंह से दांत बाहर आ गए. वैसे सही कह रहा है तू. वो पुचकी है ना, वो भी सारे काम अपने हिसाब से ही करना चाहती है. अरे मैंने उससे कहा कि मीठे में हम लोग गुलाब जामुन मंगवाते हैं. हाँ, और उसने रसगुल्ले मंगवाए. लो उसे शेरवानी भी बदलवा दी उसने. और पापा जी घोड़ी भी रिजेक्ट करवा दी. बताओ क्यों? घोड़ी दुलत्ती मारती थी? नहीं, उसका ये कहना है कि घोड़ी का कलर शेरवानी से मैच होना चाहिए. बताओ. अरे यार उसको सारे काम करने तो करने देना. आखिर तू उससे प्यार करता है कि नहीं? तो फिर बता क्या करना है, बोल. ये हुई ना बात. तेरे इनविटेशन कार्ड की धज्जियां उड़ाते हैं. तेरा फोन दे. अरे फोन दे ना, फोन पे टाइप कर देता हूँ. तू सिमरन को फॉरवर्ड कर देना, वो पूरी दुनिया को भेज देगी. चलो शुरू करते हैं. हाँ, हाँ, मैं लिखवाता हूँ. जी प्रिय निकम्मो एवं निकम्मियों. नहीं बकवास लिखना है, लेकिन इतना बकवास भी नहीं कि उन्हें समझ में आ जाए. मोनू तू तो महा महाज्ञानी हो गया है. यू ब्रो. बोल भाई, इनविटेशन कार्ड में पहले क्या लिखते हैं? कोई श्लोक वोक टाइप है? तू श्लोक जानता है? पापा जी ब्रो
यू दी नो आई एम द एक्सपर्ट ऑफ द इंग्लिश ओनली. तू ऐसा कर, हिंदी शब्द के पीछे अम या अह चिपका दे, श्लोक ही लगेगा. बढ़िया, ट्राई करके देखते हैं. हाँ हाँ. प्रियम. ओह ला ला. अबे ये तो संस्कृत जैसा ही लग रहा. संस्कृत जैसा ही नहीं, संस्कृत है. अब दूल्हा दुल्हन के नाम को कैसे बिगाड़े. हाँ, हाँ? सिमरन की जगह पुचकी लग दे और मेरे नाम की जगह पुचकू. क्या बात है. पुचकू सुपुत्र श्री जसबीर वालिया एंड श्रीमती डॉली वालिया. ब्रो 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 ब्रो, तू जसबीर को जैस कर दे और डॉली को डॉल्स कर दे. ग्रेट ब्रो. ओरिजिनल से बेहतर है. और माया, मुनु है क्या घर पे? बस भैया आता ही होगा. अरे वो हम लोग आज इकट्ठे बैठ के मैच देखने वाले हैं ना. अच्छा, कुछ नया कर रहे हो आज आप लोग? कुछ की? रजनीश वालिया, ये तुमने क्यों किया? क्या हुआ? मेरी बर्बादी हुई. हे भगवान, ये नहीं होना था. क्यों किया तुमने ऐसे? ये मेल सबको कैसे चला गया? हुआ क्या लेकिन? ये देखो माया, देखो. हे भगवान, है ना? मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं, क्योंकि 3 लाइन पढ़ने की बाद ही मुझे हार्ट अटैक से आने लगा था. सबको भेजने से पहले पहले तुम्हें मुझे क्यों नहीं भेजा? मैंने सिर्फ तुम्हें ही भेजा था पुचकी, वो शायद गलती से सबके पास चला गया. मेरे अंगूठे बहुत बड़े हैं ना, मेरे मोबाइल के हिसाब से तो कभी कभी गलत चीजें प्रेस हो जाती है. हे भगवान, मम्मी जी, सब सत्यानाश हो गया. ये कैसे हुआ? ऐसे नहीं, सब गलती अंगूठों की. मम्मी जी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा. मैं अंगूठो, चाकू कहाँ है? नहीं होते ना तो मैं मेल भेज ही नहीं पाता ना. रजनीश, भेजना तो छोड़ो, तुमने ये बेहुदा ईमेल लिखा कैसे? हाँ, क्या ये भगवानम को प्रणामम और आपको हार्दिक अभिनंदन, हाँ ये भी फोन की गलती है. और मेरा नाम पुचकी लिखा. वो मैं प्यार से तुम्हें बुला रहा था ना न्योते पे. ये हमारे संगीत का न्योता है, SMS का चैट नहीं. पुचकी, मैं सारी दुनिया को नहीं, सिर्फ तुम्हें भेजना चाह रहा था. माया देखो, हमारे नाम पढ़ो, जसबीर और डॉली जैज और डॉल्स बन गए. और मेरे पेरेंट्स निर्मल और पवित्रा से निमोल पैव्स. रैप आर्टिस्ट नहीं है वो. ये मैं सारी दुनिया से नहीं, सिर्फ तुमसे कहना चाहता था पुचकी. और ये हॉल के बजाय अखाड़े का ड्रेस. और ये देखो, डेट भी गलत लिखी है तुमने. और माय गॉड, तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी है. ऐसी कोई बात नहीं पुचकी. नहीं, नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, सब कुछ जानबूझकर किया ना, क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है. नहीं, अरे ये बात मैं सारी दुनिया को नहीं, सिर्फ तुम्हें कहना चाहता था पुचकी. पुचकी, पुचकी, प्लीज सॉरी पुचकी, मैं सही में तुमसे शादी करना चाहता हूँ. पुचकी रो मत ना, रो मत, प्लीज प्लीज रो मत. रोबत, रोबत, प्लीज प्लीज. हाँ, स्माइल स्माइल स्माइल. पुचकी, मैंने शादी तोड़ने के लिए न्योता नहीं बिगाड़ा. फिर क्यों? क्योंकि सच सच बोलो रजनीश वालिया, इतनी सारी तबाही क्यों मचाई? हमें लगा कि हम कौन? कौन हम? हम कौन? हमें लगा कि मेल तो सिमरन को लिखना चाहिए ना. क्यों? क्योंकि
क्योंकि शादी करना तुम्हारा सपना है और 12 साल की उम्र से तुमने ये सपना देखा है। होगा ऐसी उल्टी सीधी सारी चीजें करके मैं शादी की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंप देना चाहता था पुचकी, क्योंकि मैं चाहता था कि शादी के सारे डिसीजंस तुम लो, क्योंकि मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं। माया, मुझे ना दो लोगों पे शक है और दोनों का नाम वालिया से एंड होता है। हाँ मम्मी जी, हाँ हाँ हाँ, उन्हीं वालियों ने मुझे कहा कि ये सब तो सिमरन का डिपार्टमेंट है, मर्दों को तो शादी में जाके सिर्फ अटेंडेंस मारनी चाहिए। मैं लेती हूँ छोटे की अटेंडेंस और मैं लेती हूँ मोटे की अटेंडेंस। तो मुझे अब सबको वापस ईमेल भेजना पड़ेगा। ओ सिमरन चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करती हूँ, चल आ जाओ। अच्छा मम्मी जी, भैया मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर यहाँ पर माया मैं आया। हाय जानू, बहुत लेट हो गए। हाँ ट्रैफिक बहुत था, अपना ईमेल चेक किया? बिजली का बिल आ गया क्या? नहीं, भैया के संगीत का इनविटेशन। अच्छा इतना जल्दी, तुम्हारा दिन कैसा बीता? अति मस्त आहा। क्या हुआ जानू, तुम्हारे हाथ क्यों हिल रहे हैं? फोन वाइब्रेट हो रहा है वो। अच्छा मुझे भी दिखाओ ना इनविटेशन। नहीं नहीं अभी खुला नहीं, वो नेटवर्क वीक है ना यहाँ पे। दिखाओ ना, अरे नेटवर्क फुल है। अच्छा ठीक है, मैं अपने फोन पे खोल लेती हूँ। माया रुको, तुम्हें पहले मैंने कभी बताया तुम कितनी खूबसूरत हो? हाँ। नहीं नहीं तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो, जी करता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और ताजमहल बना दूँ। पहले कर लूँ फिर बना देना ताजमहल, ब्लू वाला। अरे ये लो तुम्हारा फोन। थैंक यू। ये इनविटेशन कहाँ चला गया? शायद गिरने से डिलीट हो गया होगा। और न्योता तो गैरों को देते हैं ना, हम तो फैमिली मेंबर्स हैं। वो सब छोड़ो, आज तुमने खाने में क्या बनाया? तुम्हारे जादुई हाथों ने क्या बनाया मेरी किचन क्वीन? बनाया नहीं है, बनेगा भरता। आज मैं भरते के मूड। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया। प्लान? कौन सा प्लान? मैं कोई बैंक थोड़ी लूटने वाला हूँ। भैया ने तुम्हारी पोल खोल दी सुमन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें अपना इनविटेशन बिगाड़ने को कहा, ऐसी सलाह कौन देता है? रजनीश ने ना तुम्हें ठीक तरह से समझाया नहीं होगा, मैं तो उसकी भलाई के लिए कह रहा था। भैया को काम चोरी सिखाने में कौन सी भलाई? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी शादी बर्बाद हो सकती है? अगर हमारी शादी होती तुम ऐसा करते? नटवर महाराज, तुम्हारी चाल थी। पर क्या लचक थी उनकी बॉडी में और क्या स्टेप सिखाया था नागिन ना। माया मुझे माफ कर दो। अच्छा मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और वो नटवर महाराज, उनको बुलाने की भी मेरी गलती है। इसे फोल्ड करो। मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूँ। ये सजा नहीं तुम्हारा काम है सुमित, शादी के बाद एक बार भी घर का काम किया? कपड़े तक तय नहीं किए, हमेशा कहा मैंने सीखा ही नहीं। अब मुझे पता चला ये सब तुम्हारा प्लान था। कोई प्लान नहीं था, कुछ लोग बाय नेचर कपड़े तय नहीं कर पाते, उनका तो डॉक्टरी इलाज होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग का भी डॉक्टरी इलाज होना चाहिए सुमित। और क्या क्या नहीं कर सकते तुम बाय नेचर? कभी झाड़ू लगाया तुमने एक बार भी? यार तुम तो जानती होगी मेरे पीठ में कितना दर्द होता है। क्रिकेट खेलते वक्त तुम्हारी पीठ एकदम रबर बैंड की तरह मुड़ती है। सब झूठ। और कितने झूठ बोले तुमने, खाना नहीं बना सकते,
सब्जी नहीं ला सकते, बच्चों की डायपर नहीं चेंज कर सकते। आ, उसमें भी फोल्ड करने की जरूरत होती है। फर्जी। अभी के अभी इसे फोल्ड करो इसी वक्त। अच्छा लेफ्ट से शुरू करूं या राइट से? बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म। चल माया को बता सिमरन क्या पूछना चाहती है, बता। मम्मी जी आपको हर जगह मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं है, वो मैं तय करूंगी, तू बता। सिमरन पूछना चाहती है कि रिसेप्शन में वो कौन सी साड़ी पहने, ये वाली या ये वाली? मैं बाद में बताऊंगी, आप हॉल में टांग दीजिए। जा मोनू, तू बर्तन मांज रहा है? माया, कार्ड बिगाड़ने की ये सजा दी है तूने? बहुत सस्ते में छूट रहा है तू। मम्मी जी आप रजनीश के कान क्यों नहीं मरोड़ती? मैं कान क्या चीज है, सिमरन तो गले से मुझे फांसी चढ़ा रही है। माय डियर डॉली, तुम यहां भी पहुंच गए। मुझे पता है तू उस ईमेल को लेकर मेरे पे गुस्सा है, जबकि इन दोनों छछिंद्रों को मैं रोक रहा था ऐसी काली करतूत करने से। और डॉली अगर तेरे को गुस्सा होना ही है ना, तो खाना खिलाने के बाद गुस्सा हो, पेट में जंगली सांड दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं मलाई कोफ्ता चाहिए, मलाई कोफ्ता चाहिए। अच्छा मलाई कोफ्ते चाहिए, जाके खुद बना लो। खुद, ये कौन सा शब्द है? मैं जानती हूँ तुम भी इनकी तरह ना अनाड़े होने का ढोंग रचा रहे हो, ताकि तुम्हारे सारे काम मैं करूं। लेकिन बस अब तुम्हारी सारी पोल ना खुल गई है। पापा जी कुछ तो कहिए। अबे 40 साल से क्रीज पे हूं, कभी ना कभी तो रन आउट होना ही था। मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये मर्द होते ही काम चोर है, घर की कोई फिक्र नहीं रहती, घर आते हैं तो बस टीवी देखने। ये तो दिन भर टीवी देखते हैं, घर से बाहर ही नहीं जाते। दादी एक बार मलाई कोफ्ता पेश कर दे, घर छोड़ के बरसाती पे खा लूंगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं सुमित? एक सेकंड, मैं घर का कोई काम नहीं करता, मैं बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ क्योंकि तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है, मैं बच्चों के प्रोजेक्ट्स करता हूँ क्योंकि तुम क्राफ्ट में अच्छी नहीं हो। झूठी। क्या तुम सब कुछ कर सकती हो, बस करना नहीं चाहती हो? मेरी फर्जी बीवी। सही कह रहे हैं तू। डॉली सच सच बोल, तेरे को ड्रिल चलाना आता है ना? अब आई ऊंटनी पहाड़ के नीचे अथनी। रजनीश। सिमरन मैंने सारे काम कर दिए, अब मैं तुम्हारे अगले हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ सिमरन। मैं तुमसे एक और पल नाराज नहीं रह सकती पुछकू। सच? हाँ पहले मैं तुमसे बहुत नाराज थी, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि वो तो बस एक ईमेल था, और एक ईमेल के पीछे हम अपने दिलों का मेल क्यों तोड़े? पुछकू? देखा देखा आप लोगों ने, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देता है। अबे ये जनानियों की तरकीबें होती है मेरे लाल, आज तो तेरे को माफ कर देंगी लेकिन उसी बात को लेकर जिंदगी भर तेरे पे रौब झाड़ेंगी। ये कोई तरकीब नहीं है पापा जी, मैंने दिल से पुचकू को माफ किया है। सिमरन तुम सस्ते में छोड़ रही हो, भैया ने जो किया वो गलत था, बिल्कुल सुमित और उसके नटवर लाल जैसे। नटवर महाराज नागिन स्पेशलिस्ट। हाँ हाँ उन्हीं से शादी कर लेते। आप दोनों इतने चिड़चिड़े क्यों है,
क्या यही होता है शादी के बाद? हमने तो फैसला कर लिया है कि हम एक दूसरे से हमेशा सच कहेंगे, और अगर दोनों में से किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करेंगे। शादी का मतलब यही होता है ना मम्मी जी? सिमरन, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, पर अगर दोनों कोशिश करें तो हो सकता है। चलो चलते, शादी का वैसे ही बहुत सारा काम बचा है। चलो बाय बाय। चलो याद है जब हम भी इतने बेवकूफ हुआ करते थे? Bum 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 b